हमीरपुर में कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी पास बनाने के लिए लोगों की होड़ लग गई है और एक दिन में ही ऑनलाइन पास के लिए 1500 से ज़्यादा आवेदन पहुंचने पर कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऑनलाइन इमरजेंसी पासेस पाने के लिए लोगों के सैकड़ों आवेदन पहुंचने पर उपायुक्त हमीरपुर हरकृष मीणा ने जनता से अपील की है कि जनता कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी पास को सुविधा न समझें, केवल मात्र आवश्यक होने के लिए ही आवेदन करें। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा स्पेशल टीम तैयार करके सभी आवेदकों से दूरभाष के माध्यम से बात कर ही पास जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल मात्र जरूरी होने पर ये पास बनाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि 80% लोग केवल हेल्थ ब्यौरा देकर पास मांग रहे हैं, जबकि प्रशासन ने इमरजेंसी सर्विस खुली रखी है, जिस पर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पासेस की डिमांड आने पर प्रशासन को अपना तंत्र इस ओर लगाना पड़ रहा है, जिससे कर्मचारियों का समय भी व्यर्थ जा रहा है। बता रहा हूँ कि कल एक दिन में ही लगभग 1500 एप्लीकेशंस थी। लोग फ़ोन करके पूछ रहे थे सर हमने एप्लीकेशन भेजी हैं, अब उसमें 80% में हेल्थ 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 ऐसा सिस्टम है। अब हमने RTO फिर कुछ तहसीलदार प्रोबेशनर्स कुछ कर्मचारी साथ में लगा कि टीम लगा रखी है, हम कहते हैं रिजेक्ट या अप्रूव करना है एक बार फ़ोन पर बात करके कर लें, क्योंकि उसमें हेल्थ में डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोविजन नहीं है। तो फ़ोन कर करके हम लोग जो भी हैं उसको डिसाइड कर रहे हैं, पैनिक क्रिएट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पास इज एक प्रिविलेज नहीं है। बहुत रेयर टू जो इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी, उसी केस में एक कंडीशन में पास है, और एसेंशियल सर्विसेज में जो व्हीकल्स लगे हैं या जिनका मूवमेंट है उन्हीं को करना है। अब आप छोटी मोटी कीजिए, बच्चे को यहाँ से वहाँ लाना है, या मेरी फैमिली वहाँ अटकी हुई है, या मेरे को वहाँ जाना है, या मेरे को डिस्टेंट रिलेटिव की किसी प्रोग्राम में जो कुछ इस चीज़ों में वो है, तो उस चीज़ के लिए अपना भी वक्त जाया नहीं करें और हमारा भी काम न बढ़ाएं। अपील है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगता है कि ई पास की सुविधा होगी, हम कर देते हैं, मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना इसमें। हार्डली मेरे को लगता है मतलब 2-5% लोगों के जो जीन्यून केसेज है कि किसी को कैंसर है, कीमोथेरेपी कराने जाना है, किडनी डायलिसिस वाला है जो यहाँ नहीं हो सकता, बाहर जाना है, वो जो डेली वाला अस्पताल में इमरजेंसी केस है वो तो आ ही रहे हैं, उसको तो हम डेली पास कर ही देते हैं, वो इश्यू नहीं है। टेलीफोनिकली भी हो जाता है उसमें, जिसको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है वो तो टेलीफोन का भी वेट नहीं करेगा। हम उस चीज़ को भी कंसिडरेशन दे रहे हैं कि एसेंशियल सर्विसेज हैं, जाना है हॉस्पिटल, तो वो हम सारा ध्यान रख रहे हैं। और हमारे जिला में जो SP साहब भी इस चीज़ में हम लोग बैठते हैं और किस तरह से किस चीज़ को कैसे डील करना है, ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जो कर्फ्यू का लोग, मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा सभी हमें दूरवासियों की, सभी मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं सभी जगह घूम के हम लोग कर्फ्यू रिलैक्सेशन पीरियड में देखते हैं, तो काफ़ी हद तक इसका फॉलो।